नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर से एक बार फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन BSc AG सेकेंड सेमेस्टर। लगभग टॉप 15 क्वेश्चंस जो बच चुके हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो पर, तो वीडियो इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट है। देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर लगभग 6 वीडियो जो है BSc AG सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ चुकी हैं, तो आप सभी उन वीडियो को पूरा वॉच करना और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर पूरा देखना ताकि आपको एग्ज़ाम में लाभ मिल सके और आपका पेपर बढ़िया हो। बता दें विद्यार्थियों आप सभी को, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? USA, यानी जो एक्सटेंशन है, जो प्रसार है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था बच्चों? सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन की अवधारणा किसने दी थी? प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसकी अवधारणा को किसने दिया था? तो डॉक्टर सीमेन ए नैप ने दिया था। जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो प्रदर्शन है, इसकी अवधारणा को किसने दिया था? डॉक्टर सीमेन ए नैप, इन्होंने क्या दिया था? डिमॉन्स्ट्रेशन की अवधारणा को दिया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विधि प्रदर्शन यानी मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर सीमेन ए नैप को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विषय के रूप में प्रसार शिक्षा की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? यानी एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो प्रसार है शिक्षा है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक विषय यानी सब्जेक्ट के रूप में इसकी पढ़ाई सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो सबौर में एक जगह पढ़ती विश्वविद्यालय यहाँ पे है सबौर बिहार में, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में एक्सटेंशन को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में किस पैटर्न पर आधारित है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो पंत नगर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना अगर इंडिया में करी गई तो वो किस पैटर्न पर करी गई, किस पैटर्न को फॉलो करके करी गई? तो लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न अमेरिका, और ये अमेरिका के जो है लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न पर के आधारित जो है इंडिया में जो है पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ये शिक्षा उस स्कूल कार्यों से बाहर दी जाती है, मतलब ये है ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, अनौपचारिक। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है, ये समाज में रहने की जो प्रवृत्ति होती है, समाज में रहना सीखना है ना, तो ये शिक्षा के लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है, समाज में रह के इंसान सीखता है इन चीज़ों को। ठीक है, सीमांत किसान किसे कहेंगे? अच्छा प्रश्न है, तो ऐसे फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे किसान, ऐसे फार्मर जिनके पास सॉइल 1 हेक्टेयर से कम है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बच्चों सीमांत किसान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीमांत किसान। ये काफ़ी अच्छा है और आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट, भारत में फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2016 में FFP यानी फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम। बच्चों ध्यान करिए आप लोग, FFP फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम ये कब स्टार्ट करा गया था? 2016 में। नेक्स्ट, SMS का पूरा नाम क्या है? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, SMS। SMS का पूरा नाम है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विस्तार में निम्न में से किस विधि का सबसे अधिक तीव्रता से होता है? यानी विस्तार में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक तीव्रता से होता है बच्चों? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, इंडिविजुअल अप्रोच। नेक्स्ट, ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम कौन सा? ये काफ़ी अच्छा है, जो ग्रामीण गांव देहात के युवा हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए TRISEM, जिसका पूरा नाम होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है TRISEM का पूरा नाम? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है इसका पूरा नाम। और ये कब स्टार्ट करा गया? तो 1979 में। इस प्रोग्राम में क्या होता है, 18 से 35 वर्ष के जो युवा होते हैं स्वयं रोजगार के लिए उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसान आंदोलन के जनक और किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को ये बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो KM मुंशी आप आंसर करके आ जाओगे।
अधिक वृक्ष लगाओ गाइस, इसके कौन है? अधिक वृक्ष लगाओ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और विस्तार शिक्षा जिसको अपन लोग बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, शब्द पहली बार कहाँ पर उपयोग में लाया गया? एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करी जाए तो ये तो यूके यानी इंग्लैंड में सबसे पहले यूज करा गया था, लेकिन केवल एक्सटेंशन की बात करी जाए तो अमेरिका करेक्ट होता, अंतर आप समझ लो। अगर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में। केवल एक्सटेंशन की बात करें तो अमेरिका करेक्ट है। विस्तार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी है, स्वैच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है, इसमें कोई जोर दबाव कोई जबरदस्ती नहीं होती, स्वैच्छिक होती है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इन्हें अभी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो और भी वीडियो लाएंगे, आशा करूँगा कि आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। 5 से 6 वीडियो देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब मंच पर जो है चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग सर्च करिए, बेहतरीन तरीके से उन वीडियो को वॉच कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।